हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आई होप कि आप सब ठीक होंगे दोस्तों आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बायोलॉजी के जी हाँ दोस्तों इस लेक्चर में इस सीरीज़ में आपको मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है आपके बायो के जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो मैं यहाँ पर प्रैक्टिस कराऊँगी दोस्तों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके बी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं चाहे वो आपका एग्ज़ाम ए बी वी एम यू का हो चाहे आपका के जी एम यू का हो या फिर आपका एस जी पी जी आई का हो दोस्तों यहाँ मैंने सिलेक्ट करके आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं अगर कोई ऐसा है जिसने अब तक नर्सिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस कंप्लीट नहीं करा है तो जाओ जा करके देखो मेरे चैनल पे पूरी प्लेलिस्ट पड़ी है वहाँ मैंने आपको पूरे टॉपिक्स को इजी वे में डिस्क्राइब करा है और साथ ही साथ आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड के जिससे आपको एक आइडिया मिल जाता है कि आपका पेपर कैसा आएगा और मैंने इंग्लिश की भी क्वेश्चन सीरीज प्रैक्टिस कराई है पूरी प्ले है चैनल पर उसको जा कर के चेक कर सकते हो बहुत ही इजी वे में सब कुछ समझाया है और साथ ही साथ मैं जीके के क्वेश्चन सीरीज भी चला रही हूँ जहाँ पे मैं आपको डेली अराउंड फिफ़्टी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराती हूँ जीके के तो अगर कोई ऐसा है जिसने अब तक ये सारी चीज़ें नहीं देखी है तो जाओ जा कर के देखो चैनल पे और मैं इनके लिंक्स को आपको कमेंट सेक्शन में पिन भी कर दूँगी वहाँ से भी जा कर के चेक कर सकते हो क्योंकि दोस्तों आपका जी के है आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड है या फिर इंग्लिश है ये ऐसा सेक्शन है जहाँ से आप इजीली मार्क्स गेन कर सकते हो बहुत कम टाइम में नर्सिंग एप्टीट्यूड तो बहुत ज़्यादा इजी सेक्शन है तो प्लीज़ इसको स्किप मत करना अच्छे से पढ़ के जाना और कहीं भी कोई भी डाउट होता है तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मैं पूरा ट्राई करती हूँ आपके रिप्लाई करने की साथ ही साथ अगर कोई ऐसा है जिसने अब तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं करा है तो जाओ जा करके उसको ज्वाइन कर लो उसका लिंक आपको कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगा वहाँ पे आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो कोई भी क्वेश्चन है वो पूछ सकते हो साथ ही साथ और लोगों से डिस्कस भी कर सकते हो वहाँ मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराती हूँ तो प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो दोस्तों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यूरिक एसिड इज द चीफ नाइट्रोजिनस कंपोनेंट ऑफ द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स ऑफ यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिए हैं फर्स्ट कॉकरोच सेकंड मैन थर्ड अर्थवॉम फोर्थ फ्रॉग इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए कॉकरोच नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर फर्स्ट है टेंडन स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, सेकेंड है एडिपोज टिश्यू डेंस कनेक्टिव टिश्यू, फोर्थ है थर्ड है एरियोलर टिश्यू लूज कनेक्टिव टिश्यू, एंड फोर्थ है कार्टिलेज लूज कनेक्टिव टिश्यू इस करेक्ट आंसर है आपका सी ऑप्शन एरियोलर टिश्यू लूज कनेक्टिव टिश्यू नाओ नेक्स्ट क्वेश्चन द सपोर्टिज कैरिटल स्ट्रक्चर इन द ह्यूमन एक्सटर्नल ईयर एंड द नोज टिप आर एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट है लिगामेंट सेकेंड एरियोलर टिश्यू थर्ड बोन फोर्थ कार्टिलेज इसका करेक्ट आंसर है, lining, है, tube, है, and and है आपका डी ऑप्शन कार्टिलेज नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन द सीलिएटेड कॉलमनार एपिथिलियल सेल्स इन ह्यूमन्स आर नोन टू अकर इन फर्स्ट है यूस्टिशियन ट्यूब एंड स्टमक लाइनिंग सेकेंड है ब्रॉक्योल एंड फेलोपियन ट्यूब थर्ड है बाइल डक्ट एंड ईसोफिगस एंड फोर्थ है फेलोपियन ट्यूब एंड यूरेथ्रा इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी ब्रॉक्योल्स एंड फेलोपियन ट्यूब Now next question, the kind of epithelium which forms the inner wall of blood vessels. Its first option is cuboidal epithelium, second columnar epithelium, third ciliated epithelium and fourth squamous epithelium. The correct answer is option number D, squamous epithelium. Now next question, Earthworm have no skeleton but during burrowing. The anterior end becomes turgid and act as a hydraulic skeleton. इट इज ड्यू टू फर्स्ट है सिलोमिक फ्लूड सेकेंड है गट पेरेस्टेलिज थर्ड है सी एंड फोर्थ है ब्लड इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका सिलोमिक फ्लूड क्योंकि अर्थवॉर्म में स्केलेटन नहीं होता है जब वो बरोइंग करती हैं लेकिन उनका एंटीरियर एंड तर्जुट हो जाता है किसके वजह से आपका सिलोमिक फ्लूड की वजह से नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थवॉर्म आर फर्स्ट है यूरियोटेलिक वेन प्लेंटी ऑफ वाटर इन एवेलेबल सेकेंड है यूरिकोटेलिक वैन प्लेंटी ऑफ वाटर इज अवेलेबल थर्ड है यूरोटी ऑफ वाटर इज अवेलेबल इसका करेक्ट आंसर है आपको ऑप्शन नंबर डी एमोनोटैलिक वेन प्लेंटी ऑफ वाटर इज अवेलेबल नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्ट्रक्चर डिस्टिंग नर्व सेल फ्रॉम अदर टाइप ऑफ सेल कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो नर्व सेल को डिफ्रेंशिएट करता है अदर टाइप ऑफ सेल से फर्स्ट ऑप्शन है फ्लैजम एंड मेडुलरी शीत सेकेंड है न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया थर्ड है पेरी एंड डेंड्राइट्स एंड फोर्थ है वैक्यूल्स एंड फाइबर इसका करेक्ट आंसर है आपका पेरी एंड डेंड्राइट्स ऑप्शन नंबर सी नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जॉइंट्स फर्स्ट है फैट बॉडी विद मसल सेकेंड है इंटीगमेंट विद मसल थर्ड है बोन विद मसल एंड फोर्थ है बोन विद बोन तो करेक्ट आंसर है आपका इंटीग्यूमेंट विथ मसल्स ऑप्शन नंबर बी नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द हैज एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम फर्स्ट पेरी प्लेनेटा सेकेंड ऑक्टोप थर्ड पेरीटीमा एंड फोर्थ हेरियोडीनरिया इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट पेरी प्लेनेटा इसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अ टेम्प्ररी एंडोक्राइन ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज ह्यूमन बॉडी में टेम्प्ररी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा होता है फर्स्ट है आपका कॉर्पस कैरेडिकम सेकेंड है कॉर्पस एलेटम थर्ड है पाइनियल ग्लैंड एंड फोर्थ है कॉर्पस ल्यूटियम का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी कॉर्पस ल्यूटियम नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कैपेसिटेशन अकर्स इन फर्स्ट है रिटी टेस्ट सेकेंड एपेडेमिज थर्ड वासा डिफ्रेंसा एंड फोर्थ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट आपका करेक्ट आंसर है इसका फोर्थ ऑप्शन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन Several hormones like HCG, HPL, estrogen, progesterone are produced by first option ovary, second placenta, third fallopian tube, and fourth pituitary. It's the correct answer option number B placenta. Now, next question Fetal ejection reflex in human female is induced by first differentiation of mammary gland, second pressure exerted by amniotic fluid. थर्ड है रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम पिट्यूटरी एंड फोर्थ है, so, है आपका Now, question, कौन सा आपको रूट कॉज लगता है इसमें से फर्स्ट है आपको रिटेंशन ऑफ वेल डेवलप कॉर्पलियम सेकेंड है फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम थर्ड है मेंटेनेंस ऑफ हाइपर ट्रॉफिकल एंडोमेटेरियल लाइनिंग फोर्थ है आपका मेंटेनेंस ऑफ हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सेक्स हार्मोन इन द ब्लड स्ट्रीम तो करेक्ट आंसर इसका आपका फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ दिस इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ इनिशियेशन ऑफ पार्च्यूरेशन इन ह्यूमेंस फर्स्ट इंक्रीज इन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टिटल रेशियो सेकेंड सेंसिस ऑफ प्रोस्टेगलैंडिन थर्ड रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन एंड फोर्थ रिलीज ऑफ तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन आंसर नंबर डी नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन चेंजेस इन जी एन आर एच यानी कि पल्स फ्रीक्वेंसी इन फीमेल इज कंट्रोल्ड बाय सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ फर्स्ट एस्ट्रोजन एंड एनहेबिन सेकेंड प्रोजेस्टरॉन ओनली थर्ड प्रोजेस्ट्रॉल एंड एनहेबिन फोर्थ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन करेक्ट आंसर है आपको ऑप्शन नंबर डी एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन which of the following layers in an enteral follicle is acellular first is granuloma second a theca interna third stroma and fourth is zona pellucida So, correct answer is ka, aapka, option number c stroma now next question the amnion of mammalian embryo is derived from first mesoderm and trophoblast second endoderm and mesoderm third ectoderm and mesoderm fourth ectoderm and endoderm करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हार्मोन सीक्रेटेड बाय द प्लेसेंटा टू मेंटेन प्रेगनेंसी आर फर्स्ट एस सी जी एच पी एल एंड एस्ट्रोजन सेकेंड एच सी डी एच पी एल एस्ट्रोजन रिलैक्सिन एंड ऑक्सीटोसिन थर्ड है आपका एच सी डी एच पी एल एंड प्रोलैक्टिक फोर्थ एस सी एस्ट्रोजन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए एच सी जी एच पी एल एंड एस्ट्रोजन नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन द शर्ड टर्मिनल डक्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम इन द ह्यूमन मेल कौन सा शेयर टर्मिनल डक्ट होता है आपका फर्स्ट है यूरिटर सेकेंड यूरिथ्रा, थर्ड है वासा एंड फोर्थ है वास्फरेंशा आपका करेक्ट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर बी यूरिथ्रा नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज नॉट एसोसिएटेड विद अव्यूलेशन इन ह्यूमन फीमेल फर्स्ट है डिक्रीज इन एस्ट्रोडियोल सेकेंड है फुल डेवलपमेंटोग्राफिन फॉलिकल थर्ड रिलीज ऑफ सेकेंडरी उच सर्च तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए डिक्रीज इन ऑस्ट्रेडियोल नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन द सक्रेटरी फेज इन द ह्यूमन मैं साइकिल इज ऑल्सो कॉल्ड First luteal phase and last for about six days. Second follicular phase and last for about six days. Third luteal phase and last for about thirteen days. And fourth follicular phase and last for about thirteen days. Correct answer is option number three. Luteal phase and last for about thirteen days. Now next question. What happens during fertilization in human after many sperms reach close to the ovum? फर्स्ट ऑप्शन है सिक्रीशन ऑफ एक्रोजोम हिप वन स्प एंटर साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम थ्रो जोना पेल्यूसिडा सेकेंड है ऑल स्पॉम एक्सेप्ट वन नियरेस्ट टू द ओवम लूज देयर टेल सेकेंड थर्ड है सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएट ट्रैप ऑल द स्पॉम एक्सेप्ट वन फोर्थ है ओनली टू स्प नियरेस्ट द ओवम पेनिट्रेट जोना पेल्यूसिडा करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए सिक्रीशन ऑफ एक्रोजोम हिप वन स्पॉम एंटर साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम थ्रो जोना पेलीसुडा नाव नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब ह्यूमन डेंटिशियन फर्स्ट है प्लूरोडॉन मोनोफाउडॉन एंड होमोडॉन सेकेंड है थीकोडॉन डायोफाइडोन एंड हैट्रोडॉन थर्ड है थीकोडॉन डायोफाइडॉन एंड होमोडॉन एंड फोर्थ है प्लूरोडॉन डायोफाइडॉन एंड हैट्रोडॉन तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी थीडॉन डायोफाइडॉन एंड हैट्रोडॉन नाव नेक्स्ट क्वेश्चन विच सेल ऑफ क्रिप्ट ऑफ लिवर क्विन सीक्रेट एंटी बैक्टीरियल लाइसोजोम तो करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी पेनेथ सेल नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कैरीज आउट द इनिशियल स्टेप इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क इन ह्यूम तो करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए रेन नाउ ना नेक्स्ट क्वेश्चन अ यंग इन्फेंट मे बी फीडिंग एंटायरली मदरस मिल्क विच इज वाइट इन कलर बट अ स्टूल विच द इन्फेंट पासिस आउट इज क्वाइट येलोइ वट इज द येलो कलर ड्यू टू यहाँ पर आपको रीजनिंग पूछ ली गई है फर्स्ट है पेंक्रेटिक जूस एंड पोर्ट इंट्रो ड्यूडिनम सेकेंड इंडस्टाइनल जूस थर्ड बाइल पिगमेंट पास थ्रो बाइल जूस एंड फोर अनडाइजेस्टेड मिल्क प्रोटीन केसिन तो करेक्ट आंसर आपका सी बाइल ऑप्शन बाइल पिगमेंट पास थ्रो बायल जूस नेक्स्ट क्वेश्चन अ बेबी बॉय एज टू ईर इज एडमिटेड टू अ प्ले स्कूल एंड पासिस थ्रो अ डेंटल चेकअप The dentist observed that boy had 20 teeth. Which teeth were absent? Aapka correct answer is option number D premolars. Now, next question Fructose is observed in the blood through mucosa cells of intestine by the process called. So correct answer is facilitated transport. Option number B. Now next question Which of the following guards the opening of hepatopancreatic duct in the duodenum? Correct answer aapka, option number B sphincter of Oddi. ना नेक्स्ट क्वेश्चन द प्राइमरी डेंटिशियन इन ह्यूमन डिफर फ्रॉम परमानेंट डेंटिशियन इज नॉट हैविंग वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टीथ करेक्ट आंसर है C, Now, question, to, आपका ऑप्शन नंबर सी प्रीमोलर्स ना नेक्स्ट क्वेश्चन एंगजाइटी एंड ईटिंग स्पाइसी फूड टुगेदर इन एन अदरवाइज नॉर्मल ह्यूमन वे लीड टू आपका करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए इन डाइजेशन तो दोस्तों यहाँ पर डायरेक्ट एनसीआर टी से क्वेश्चन पूछे गए हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्लीज़ इनको अच्छे से देखिएगा बिल्कुल स्किप मत करना वीडियो को ना नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर डू सर्टेन सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉर्मली अकर इन ह्यूमन बॉडी तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए सी कम ना नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग गैस्ट्रिक सेल इनडायरेक्टली हेल्प इन एर्थ्रोपोइसिस करेक्ट आंसर है आपका डी ऑप्शन पेराइटल सेल्स ना नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट रिप्रेजेंट द एनजाइम कम्पोजिशन ऑफ पैंक्रिएटिक जूस करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी लाइपेज एमाइलेज ट्रिप्सिनोजन प्रोकार्बिऑक्सीपैप्टाइड इज ना नेक्स्ट क्वेश्चन इन द स्टमक गैस्ट्रिक एसिड इज सीक्रेटेड बाय द करेक्ट आंसर आपका प्राइटल सेल ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन एंजाइम दैट इज नॉट प्रेजेंट इन सकस एंट्रीगस इज करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी न्यूक्लियज नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हॉर्मोन आर प्रोड्यूस्ड बाय ऑप्शन नंबर बी एंडोक्राइन ग्लैंड्स इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन हारमोन दैट प्रमोट सेल डिवीजन प्रोटीन सिंथिस एंड बोन ग्रोथ इज तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ग्रोथ हार्मोन नेक्स्ट क्वेश्चन हार्मोन इज एन तो इसमें करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी केमिकल मैसेंजर तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया आपका एनसीआरटी से नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हार्मोन प्रोड्यूस्ड इन एलर्जिक रिएक्शन इज तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड नेक्स्ट क्वेश्चन हार्मोन कनेक्टेड विद इंक्रीज रेट ऑफ ग्लूकोजेनिस ब्लड प्रेशर एंड हार्ट बीट इज तो करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी एड्रेन नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन थाइरॉयड डेफिशिएंसी इन एन इन्फेंट लीड टू आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी क्रेटिनीम नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑक्सीटोसिन कंट्रोल आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी के आपकी ग्रोथ हैंड लैक्टेशन नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एंटी एजिंग हारमोन इज तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी मेलाटोनिन नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट विल हैपन इफ द थारॉयड इज रिमूव फ्रॉम अर टेडपोल टेटपोल से थायरॉयड निकाल देंगे तो क्या होगा तो करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए द टेडपोल विल ग्रो इन अ अर डार्ट फ्रॉक ना नेक्स्ट क्वेश्चन द मेल सेक्स हॉर्मोन इज कॉल्ड करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी टेस्टोस्टिरोन नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दिस गैस्ट्रो इंटस्टाइनल हार्मोन टिक्रेशन तो करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी जी आई पी नेक्स्ट क्वेश्चन द पर्सन शोइंग लो बी एम आर पॉसिबिली मे बी सफरिंग फ्रॉम तो करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी क्रेटेरिज्म नेक्स्ट क्वेश्चन इंसुलिन एंड ग्लूकोग आर ट्रांसपोर्टेड टू टारगेट ऑर्गन बाय तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी ब्लड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम इज इन्फ्लुएंस्ड बाय तो करेक्ट आंसर है आपको ऑप्शन नंबर ए एल एच तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको प्रैक्टिस कराए अराउंड फिफ्टी क्वेश्चन जो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बायोलॉजी सेक्शन से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं तो प्लीज़ इनको अच्छे से याद करना इनको नोट डाउन कर लेना और बाकी इनके नोट्स मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर दूंगी तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ प्लीज़ इसको लाइक कर दो शेयर कर दो और इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लो और हाँ आइकन को प्रेस कर दो ताकि फ्यूचर में आने वाला कोई भी अपडेट हो तो मैं आपको तुरंत दे दूँ क्योंकि साथ ही साथ मैं आपको बायोलॉजी की क्वेश्चन सीरीज़ जी के एन केमिस्ट्री और फिजिक्स की क्वेश्चन सीरीज भी कराने वाली हूँ जो बहुत हेल्पफुल होगी आपके बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए चाहे वो आपका ए बी वी एम यू का हो एस जी पी जी आई हो या फिर के जी एम यू का हो तो दोस्तों अगर किसी ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं कराया तो उसको ज्वाइन कर जा करके उसका लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी और साथ ही साथ नर्सिंग एप्टीट्यूड इंग्लिश और जी क्वेश्चन सीरीज की पूरी प्ले लिस्ट पढ़ी है जा करके उनको देखो उनको अच्छे से पढ़ लो तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी थैंक्स एंड हैव नाइस डे